S.C. Verma Rotational Mechanics का numerical 54. A ball is standing on a platform which is free to rotate about its axis. The boy holds an open umbrella in his hand. The axis of the umbrella coincides with that of the platform. The moment of inertia of the platform plus boy system is 3 × 10⁻³ kg m², and that of the umbrella is 2 × 10⁻³ kg m². The boy starts spinning the umbrella about the axis at an angular speed of 2 revolutions per second. With respect to himself, find the angular velocity imparted to the platform. तो ये रही यहाँ पे सिस्टम. अब इस सिस्टम में क्या है कि ये प्लेटफॉर्म है और दिस इज एबल टू रोटेट. ये रोटेट हो सकता है और उस पर एक बॉय इज स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म. अब दोनों का मिलाकर मतलब इस प्लेटफॉर्म और बॉय एक ही सिस्टम है और उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है हमें 3 × 10⁻³ kg m². और उसके हाथ और ये अम्ब्रेला भी है. अब उसके हाथ में अम्ब्रेला है लेकिन ये अम्ब्रेला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे दिया है 2 × 10⁻³ kg m². मतलब उसे रोटेट करने के लिए कितना इनर्शिया लगता है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और स्टार्टिंग में सब रेस्ट में है. अब क्या हो रहा है कि ये बॉय क्या कर रहा है, इस अम्ब्रेला को स्पिन कर रहा है. अम्ब्रेला को स्पिन करेगा तो कितना स्पिन कर रहा है, तो अम्ब्रेला की 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड. एक सेकंड में वो 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा. इतने स्पीड से उसे रिवॉल्व कर रहा है. तो क्या होगा, उसे रिवॉल्व करने के लिए वो उसकी इंटरनल एनर्जी यूज कर रहा है. यहाँ पे बाहर कोई उसे हेल्प नहीं कर रहा है, वो उसकी इंटरनल एनर्जी यहाँ पे यूज कर रहा है. तो इंटरनल एनर्जी के कारण मतलब क्या कि यहाँ पे जो बाद में क्या होगा कि ये 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड रोटेट हो रहा है और ये बॉय के हाथ में और बॉय प्लेटफॉर्म में. और ये प्लेटफॉर्म क्या है, इट इज एबल टू रोटेट. ये रोटेट हो सकता है तो ये रोटेट होना स्टार्ट होगा. तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है, एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी 2. तो धीरे धीरे ये सब सिस्टम की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगेगी. लेकिन कहाँ से आ गई, तो ये कौन दे रहा है, तो इसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी. लेकिन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम ही रहेगा. क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है. एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है क्योंकि ये जो रोटेट हो रही है उसके बॉय के इंटरनल एनर्जी यूज करके वो रोटेट हो रही है. मतलब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज कर रहे हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बताता है हमें कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम मतलब कब का मोमेंटम, जब बॉय ने वो अम्ब्रेला रोटेट करने के लिए स्टार्ट किया तब भी यहाँ पे लीनियर मोमेंटम होगा. पहले तो रेस्ट था, कोई वेलोसिटी 0 थी तो ये तो 0 ही आ जाएगा. बाद में ये रोटेट करने लगा तब ये सिस्टम रोटेट नहीं हो रही थी. मतलब इस सिस्टम के रोटेशन से पहले क्या रोटेट हो रहा था, सिर्फ अम्ब्रेला रिवॉल्व हो रही थी. तो मतलब ये I1 ओमेगा 1 ये किसका I1 आएगा, अम्ब्रेला का, और ये ओमेगा 1 भी अम्ब्रेला का. तो ये समझने के लिए हम इधर लिखते हैं अम्ब्रेला और ये अम्ब्रेला. और बाद में फाइनल क्या होगा, I2 ओमेगा 2. किसका I2 ओमेगा 2, अब यहाँ पे सिस्टम का I2, इस सिस्टम का, और ये ओमेगा भी सिस्टम का, ओमेगा भी सिस्टम का. अब इस सिस्टम में कौन कौन आ रहा है, अब इस सिस्टम में ये बॉय और ये प्लेटफॉर्म एक सिस्टम और दूसरी अम्ब्रेला, क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है. मतलब हम यहाँ पे आई किसे कहेंगे, तो ये आई कौन होगा, एक तो ये बॉय और प्लेटफॉर्म, इसलिए लिखा है बॉय और प्लेटफॉर्म. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉय प्लस प्लेटफॉर्म, और इसका होगा प्लस ये अम्ब्रेला का, क्योंकि अम्ब्रेला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है. तो आई होगा अम्ब्रेला का और I × ओमेगा. तो ये ओमेगा होगी सिस्टम की, क्योंकि ओमेगा दोनों की सेम जब तक नहीं आती तब तक ये इसका कन्वर्जन होता रहेगा. मतलब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, और बाद में क्या होगा कि दोनों की वेलोसिटी इक्वल आ जाएगी. उसके बाद उसका ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. मतलब इसकी बढ़ नहीं रही, इसकी कम नहीं हो रही, तो सिर्फ उसका चेंज हो रहा है. इसका जो कम हो रहा है वो इसका बढ़ रहा है. तो ये होगा आई ए अम्ब्रेला ओमेगा अम्ब्रेला। तो हमें फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड ए प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी, ये फाइंड करनी है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो आई अम्ब्रेला कितना दिया हुआ है हमें 2 × 10⁻³ और ओमेगा कितना दिया है अम्ब्रेला का 2 इज इक्वल टू, अब बॉय प्लस प्लेटफॉर्म कितना है 3 × 10⁻³ प्लस अम्ब्रेला का ये 2 × 10⁻³ और ये ओमेगा तो फाइंड करना है हमें प्लेटफॉर्म का एंगुलर वेलोसिटी। तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2 4 × 10⁻³ इज इक्वल टू, ये 10⁻³ बाहर ले लेंगे तो 3 + 2 5 × 10⁻³ इंटू ए ओमेगा जो फाइंड करना है हमें। अब एक 10⁻³ 10⁻⁻3 तो 4 / 5 आएगा, 4 / 5 तो ये ओमेगा कितना मिल रहा है 4/5, तो ये ओमेगा 4 × 5 तो ये 0.8 और इसकी वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड, तो इतनी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी।